ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियां करने में जुटा है और आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारियां की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है और कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है और सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में जुटा हुआ है। तो ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है और आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो गया है और भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है और सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें, देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने की बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है और वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है और आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आपको बताते चले कि भारत में भी कोरोना वैक्सीन की जो आने का है वो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है और आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार में कई गुना ये बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनित कपूर जुड़ गए हैं। विनित, जिस तरीके से देश भर में जो कोरोना जो रफ्तार है वो अब कम होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ अब ये भी बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है, तो अब इस फिलहाल अब क्या अपडेट बताई जा रही है इस दौरान? बिल्कुल, इस तौर पर अगर कोरोना वैक्सीन की बात करें तो इसका जो सफल ट्रायल है वो शुरू हो चुका है और ट्रायल के चलते पंजाब एक अहम राज्य है जहां पर आज से ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएंगे। 2 दिन का ये ट्रायल रहेगा जिसमें कई लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस वैक्सीन से इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कितनी बढ़ती नजर आती है। पंजाब के 2 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें अगर SBS नगर की बात करें यानी शहीद भगत सिंह नगर की बात करें तो उसको इसमें चयनित किया गया है। इसके अलावा लुधियाना की बात करें वो इसमें चयनित है। तो ये 2 बड़े शहर हैं जो इसमें सीधे तौर पर चयनित किए गए हैं जहां पर आज ट्रायल शुरू हो जाएगा और इस ट्रायल के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो वैक्सीन है क्या वाकई में ही कारगर है या नहीं। जी विनय, जिस तरीके से अब वैक्सीन टीकाकरण जो चलाया जा रहा है और बनने के बाद आपको क्या लगता है कि सबसे पहले इसका ट्रायल किस पे किया जाएगा? देखिए, सीधे तौर पर इंसानों के ऊपर अब इसका ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3रे चरण के अंदर जो वैक्सीन का ट्रायल था वो पिछले दिनों शुरू होता हुआ नजर आया था और अब पंजाब में भी ये ट्रायल जो है शुरू हो चुका है आम इंसानों के ऊपर जो स्वस्थ हैं पूरी तरह से और जो वॉलंटियर तौर पर इस ट्रायल का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हीं लोगों को आगे लाया जा रहा है और उनके ऊपर ये ट्रायल करवाया जा रहा है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखा जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उनकी बढ़ती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो फिर माना जा सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो उन पर प्रभाव डालता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हरियाणा के अंदर वॉलंटियर तौर पर हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं वो भी अपने पर परीक्षण करवाते नजर आए थे लेकिन उसके बाद उनको कोरोना हो गया, तो ऐसे में वहां का ट्रायल जो है वो सवालों के घेरे में था। लेकिन अब पंजाब में और अन्य 2 राज्यों में जिससे ट्रायल आज से शुरू हो जाएंगे तो वहां पर देखने वाली बात रहेगी कि जिन व्यक्तियों के ऊपर यह ट्रायल किया जाएगा उनकी कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है
और क्या ये कोरोना को हरा पाने में वैक्सीन जो है वो कारगर साबित हो पाएगी, ये अब देखने वाली बात रहने वाली है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कोरोना वैक्सीन है उस पर अब काम शुरू हो चुका है और ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से देश इंतजार कर रहा है और वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।